सभी चीजों में एक मूंगफली। मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से उत्साहित हूं क्योंकि मेरे जीवन में एक दौर था जब मैंने सिर्फ मूंगफली और केले पर जीवन बिताया, बस इतना ही। क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस भिगोई हुई मूंगफली, बस इतनी मूंगफली, रात भर भिगोकर और एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और पूरी तरह से सक्रिय, ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी ज्यादा सक्रिय, इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। अगर आप इसे 6 से 8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित्त निकल जाता है। आप पित्त जानते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयुर्वेद इसी पर आधारित है, उष्ण शीत और पित्त। इससे पित्त निकल जाता है। और इस भीगी हुई मूंगफली को अच्छी तरह चबाकर खाना, बस ये पक्का करें कि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुई बकवास नहीं है। एक चीज ये है कि शायद इसमें जेनेटिक बदलाव किए गए हों। अब वो ये नहीं लिखते कि किसमें बदलाव किया गया है और किसमें नहीं। एक और चीज ये है कि आप इस हद तक फर्टिलाइजर और कीटनाशक डाल रहे हैं कि मूंगफली अब मूंगफली नहीं रही। बस ये पक्का करें कि वो ऑर्गेनिक मूंगफली हो। अगर आप नाश्ता बनाना चाहते हैं, आप एक रेसिपी चाहते हैं, तो मुट्ठी भर मूंगफली लीजिए, उसे 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोइए, इसे मिक्सर में डालिए। अगर आप कोई फल डालना चाहते हैं तो एक केला या आप जो चाहें वो डालें, केला उसमें अच्छा लगता है, आप कोई दूसरा फल भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा शहद भी डालें। 2 मिनट, शानदार नाश्ता तैयार। इसे बनाने में केवल 2 मिनट लगते हैं। अगर आप इसे थोड़ा पतला चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और पानी डालिए और बस इसे पी लीजिए। आप इसे दलिया जैसा चाहते हैं तो इसे गाढ़ा बनाइए और इसे खा लीजिए। आप देखेंगे कि ये आपको आसानी से 4 से 5 घंटे तक ऊर्जा देगा और ये बहुत पौष्टिक है।